जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में ऐसा यूनिक जानकारी देने वाला हूँ जो जानकारी आज तक आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे पहचान सकते हैं कि आपको 220 वोल्ट एसी सप्लाई कहाँ पर देना है और डीसी आउटपुट वोल्ट आपको कहाँ से लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से। इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहे डट के, क्योंकि हमारा एक्सप्लेन करने का अंदाज होता है थोड़ा हट के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते फटाक से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि एसी इनपुट सप्लाई हमें किसी भी सर्किट में कहां पर देना है। तो जैसे कि ये जो सर्किट में आप देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का वायर नहीं लगा हुआ, तो इस कंडीशन में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहां पर हमें इनपुट सप्लाई देना है और कहां पर डीसी आउटपुट लेना है। तो आपने देखा होगा कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते, जो सर्किट होता है उसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो सर्किट है, देख सकते हैं आप, एडाप्टर का सर्किट, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। और ये जो डीटीएच का पावर सप्लाई, यहाँ पर भी डायोड से चार डायोड से रेक्टिफायर बनाया गया। तो दोस्तों, जो हमारा मेन सप्लाई होता है वह रेक्टिफायर डायोड के जो दो पॉइंट होते हैं उसी में जाकर ही मिलता है। यानी कि हमें जो इनपुट सप्लाई देना होता है वह रेक्टिफायर के दोनों पॉइंट में ही देना होता है। मगर दोस्तों, हमारा जो सप्लाई होता है वह जो रेक्टिफायर डायोड है उसमें जाने से पहले कुछ कंपोनेंट से होकर गुजरता है, यानी कि जो सेफ्टी के लिए लगाया होता है, जैसे कि फ्यूज लगा हुआ हो सकता है या एमओवी लगा हो सकता है, कैपेसिटर लगा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये जो डीटीएच का पावर सप्लाई, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। तो हमारा सप्लाई रेक्टिफायर में ही जाता है, उससे पहले कुछ कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक फ्यूज लगा हुआ, यानी कि हम सप्लाई देते हैं वह पहले फ्यूज में जाता है। फ्यूज में जाकर जो जितना कंपोनेंट होता है उससे गुजरता है, गुजरने के बाद जो रेक्टिफायर होता है वहाँ पर जाकर मिलता है। और जो दूसरा पॉइंट होता है वह रेक्टिफायर के दूसरे पॉइंट में जाकर मिलता है, जो हमारा जो 220 वोल्ट की सप्लाई होता है वह। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अगर आपको सर्किट के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ ना आए, तो हम इसके लिए आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं हमने तीन तरह से यहाँ पर डायग्राम बनाया, जिसमें हमने ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर चित्रित कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि जो हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं वह हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का जो दो पॉइंट होता है, इनपुट पॉइंट होता है, वहीं पर ही जाकर मिलता है, मगर उससे पहले कुछ कंपोनेंट से होकर गुजरता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं यह एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है इस तरह का। और ये वाला जो ब्रिज रेक्टिफायर है वह, ये जो सर्किट आप देख सकते हैं डीटीएच पावर सप्लाई का, इसमें बना हुआ है। तो दोस्तों, जो हमारा मेन सप्लाई होता है वह हमारा रेक्टिफायर के दोनों पॉइंट में ही जाता है, मगर उससे पहले कुछ कंपोनेंट से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, उसमें का जो मेन कंपोनेंट है वह फ्यूज होता है, यानी कि जो हमारा 220 वोल्ट की सप्लाई होता है वह सबसे पहले फ्यूज में आता है और फ्यूज में होकर रेक्टिफायर के किसी भी एक पॉइंट में जाकर मिलता है। और जो हमारा सप्लाई का जो दूसरा वायर होता है वह रेक्टिफायर के दूसरे वाले पॉइंट में जाकर मिलता है। तो हम यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक जो है तो उसमें दो पॉइंट होते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी दो पॉइंट है, इसमें भी जो दो पॉइंट है, सभी में दो पॉइंट होते हैं, इनपुट में और आउटपुट में। तो दोस्तों, जो दो पॉइंट होते हैं उसमें आपको फेज और न्यूट्रल देना होता है। तो ये जो एलईडी बल्ब का सर्किट है आप देख सकते हैं, हमारा सप्लाई यहाँ पर से देते हैं तो इसका सप्लाई डायरेक्ट रेक्टिफायर में नहीं जाता है, रेक्टिफायर में जाने से पहले यहाँ पर पहले जो फ्यूज होता है, रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर फ्यूज लगा हो, तो रेजिस्टेंस के से गुजर कर आगे जाता है, वहाँ से कैपेसिटर से गुजरता है, उस वहाँ से एमओवी से गुजरता है, यानी कि कुछ कुछ कंपोनेंट से गुजरता है जो कि सर्किट की सेफ्टी के लिए लगा होता है, उससे गुजर कर डायरेक्ट का जो रेक्टिफायर होता है वहाँ पर जाकर मिलता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, जो इनपुट सप्लाई आपको देना है तो एक सप्लाई का वायर आपको जो जहां पर भी फ्यूज लगा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस के तौर पर फ्यूज लगा हुआ रहता है, उस फ्यूज के एक पॉइंट में जोड़ना है और सप्लाई के दूसरे पॉइंट को आपको कहां पर जोड़ना है, जो रेक्टिफायर के साथ, जिस वायर के साथ फ्यूज लगा हुआ है, जिस ट्रैक के साथ फ्यूज लगा हुआ है उसमें आपको एक पॉइंट जोड़ना है, और जिस ट्रैक के साथ फ्यूज नहीं लगा हुआ है उस पॉइंट के साथ आपको एक पॉइंट जोड़ना है। तो
और बात करते हैं इस डायग्राम को, तो यहाँ पर एक सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि एक फ्यूज की तौर पर लगा हुआ है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर, उसका एक ट्रैक में फ्यूज लगा हुआ है। तो आपको फ्यूज के इस वाले पॉइंट में 220 वोल्ट सप्लाई का एक वायर जोड़ना है, और दूसरे वायर को आपको इस रेक्टिफायर के दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ना है जिस वाले पॉइंट से रेजिस्टेंस नहीं आया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई देना है यहाँ पर। और इस तरह का किसी सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है, आप देख सकते हैं इस तरह का जो चार डायोड का, इसमें दो डायोड एनोड और कैथोड एक पॉइंट में जुड़ा होता है और एनोड और कैथोड दो पॉइंट में जुड़ा होता है, यानी कि इस तरह से दो डायोड को जोड़ जोड़ कर दो यहाँ पर पॉइंट मिल जाता है और किसी भी एक पॉइंट के साथ में फ्यूज लगा होता है। जैसे कि आप इस DTH पावर सप्लाई में देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टिफायर बना हुआ है, उससे पहले एक यहाँ पर फ्यूज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक फ्यूज लगा हुआ है। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो सप्लाई फ्यूज में जाता है, फ्यूज से इस ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर के एक पॉइंट में जाता है, और सप्लाई का दूसरा पॉइंट सीधे जो रेक्टिफायर के दूसरे वाले पॉइंट में जुड़ा होता है। यानी कि इसमें फ्यूज वाली पॉइंट में हम एक सप्लाई देंगे और जिसमें फ्यूज नहीं लगा हुआ है उस वाली पॉइंट में आपको दूसरा सप्लाई देना है। यानी कि इस तरह से आपको जो 220 वोल्ट की सप्लाई होता है उसे डायरेक्ट आपको जो रेक्टिफायर होता है उसके दोनों पॉइंट में जोड़ना होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका सर्किट में आपको 220 वोल्ट की एसी सप्लाई कहां पर देना है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें डीसी आउटपुट कैसे पता करना है कि हमें कहां पर देना है। तो दोस्तों इसका भी सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है। आपको दोस्तों डीसी आउटपुट निकालने से पहले आपको यह याद रखना है कि वहां पर एक आपको कैपेसिटर देखने को मिल जाता है, यानी कि जो डीसी आउटपुट होता है वहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपको आप यहां सोचेंगे कि इसमें तीन कैपेसिटर लगा हुआ, तो हम किस कैपेसिटर में इसका डीसी आउटपुट निकालें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यह एलईडी बल्ब का ड्राइवर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलईडी बल्ब का ड्राइवर है उसमें हमें लगभग 100 वोल्ट के आसपास डीसी वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पर कम से कम 60 से 100 वोल्ट तक का कैपेसिटर लगा हुआ रहना हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप कैपेसिटर का पहचान करेंगे पहले, और उस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट में आप डीसी आउटपुट वोल्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो कैब सर्किट है दोस्तों, उसे हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डीसी आउटपुट वायर पहले से लगा हुआ है, और ये जो दोनों वायर है दोस्तों वह इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट में ही जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका यह जो कैपेसिटर है दोस्तों, इसका वैल्यू यहाँ पर 63 वोल्ट का यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके दोनों पॉइंट में ही यहाँ पर डीसी आउटपुट वोल्ट निकला हुआ है। यानी कि दोस्तों आप जहाँ से किसी भी सर्किट में डीसी आउटपुट निकलता है, जहाँ से निकला हुआ रहता है, उस ट्रैक में एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक मोबाइल चार्जर का सर्किट है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल चार्जर होता है उसमें आपको 5 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलता है। तो 5 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलता है तो आपको कम से कम जो कैपेसिटर पता करना है, तो आपको 10 वोल्ट के आसपास या 16 वोल्ट के आसपास कैपेसिटर लगा हुआ मिलना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 400 वोल्ट का है, तो इसमें तो डीसी आउटपुट हम नहीं ले सकते, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कैपेसिटर और लगा हुआ है, और इसका वोल्ट हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर दो कैपेसिटर लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि यहाँ पर तो दो कैपेसिटर लगा हुआ, तो हम डीसी आउटपुट वोल्ट कहाँ से लें। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो दोनों कैपेसिटर है वह पैरेलल में, एक ही पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो आप इन दोनों जो कैपेसिटर के दोनों लेग होते हैं, उस दोनों लेग से आप डीसी आउटपुट वोल्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं माइनस और माइनस एक साथ जुड़ा हुआ है और प्लस एक साथ जुड़ा हुआ है। और दोस्तों जो हम सप्लाई डीसी आउटपुट वोल्ट जहां से है वायर पहले से जुड़ा हुआ रहता है, आप उस वायर को चेक करके देख सकते हैं, वो जो वायर होता है वह उस दोनों पॉइंट में आपको एक कैपेसिटर देखने को मिल जाता है, जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कैपेसिटर देखना है और कैपेसिटर के दोनों पॉइंट में ही आपको इसका डीसी आउटपुट लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यह एक एडाप्टर का सर्किट है, इसमें 12 वोल्ट निकलता है, तो हमें पता है इसमें 12 वोल्ट निकलता है, तो हमें कम से कम जो कैपेसिटर इसमें देखना है कि कौन से कैपेसिटर से हमें डीसी आउटपुट लेना है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि यह 12 वोल्ट का है, तो आप इसमें 100 वोल्ट का तो आपको कैपेसिटर नहीं लगा सकते, ना लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। अगर ये 12 वोल्ट का डीसी आउटपुट देता है, तो इसमें कम से कम 10 वोल्ट, 16 वोल्ट या 20 या 25 वोल्ट के आसपास ही आपको कैपेसिटर लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर भी दो कैपेसिटर लगा हुआ है।
तो यहाँ पर हम दोनों को चेक करेंगे कि क्या दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है या 16 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दोनों कैपेसिटर है दोस्तों वह अलग अलग ट्रैक में लगा हुआ है। यहाँ पर इसका ट्रैक है, यहाँ पर प्लस और माइनस, और इस कैपेसिटर का प्लस और माइनस अलग जा रहा है। तो मस्त है दोस्तों, यहाँ का दोनों कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वह एक ही ट्रैक में है, मगर इसका जो दोनों कैपेसिटर का नेगेटिव है वह अलग ट्रैक में है। तो दोस्तों हम यहाँ पर डीसी आउटपुट कहाँ से लें, यह कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको यह देखना है कि ये जो एडाप्टर है वह 12 वोल्ट का है, तो आपको इस तरह का एक जीनर डायोड देखने को मिल जाता है जो कि एक कैपेसिटर के पैरेलल में जुड़ा हो रहता है। यह 12 वोल्ट का जीनर डायोड है, तो आपको यही देखना है कि किस कैपेसिटर के साथ जीनर डायोड लगा हुआ है। तो ये वाला कैपेसिटर के यहाँ के साथ यहाँ पर एक 12 वोल्ट का जीनर डायोड लगा हुआ है, तो जो कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो आपको इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट में डीसी आउटपुट आपको 12 वोल्ट यहाँ से लेना है। दोस्तों इस तरह से आप कैपेसिटर को देख कर उसके वोल्ट के हिसाब से पहचान सकते हैं कि किसी सर्किट में आपको डीसी आउटपुट वोल्ट कहाँ से लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।